Yes students, how are you all? I hope you all are doing great. So this video is for class 7th and chapter name हम जो पढ़ रहे हैं integers, ठीक है? और आज का topic है हमारे पास multiplication of integers. But before that, okay, chapter 1 है ये, और chapter 1 में मैं आपको ये part लेकर आया हूँ, third. आपका ये थर्ड पार्ट है. सो पहले से दो वीडियो है इस चैप्टर में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोस. सो टुडेज टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स आज हम लिखेंगे. जैसे कि हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इंटीजर्स का, एडिशन कर सकते हैं, वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. और इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर पहले देखते हैं. पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओके इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे देखेंगे. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर. अगर हम लोगों को -5 प्लस -5 हमको ऐड करना है तो हम इसको क्या करेंगे, -5 ओके इंटू 3. इसको हम ये -15 हो यहाँ पे होगा, या फिर हम इसको ये कर सकते हैं ओके -15. यू गॉट इट? मतलब -5 जो है वी ऐड -5 ओके 3 टाइम्स. मीन्स व्हाट? मीन्स इफ यू विल मल्टीप्लाई -5 into 3 यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट ओके रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो वही जैसे कि जैसे आपको होल नंबर्स में आप प्लस ये अगर आपको 15 होता है, एक्चुअली ये होता क्या है कि आप इसको 3 into 5 करते हो, मतलब 5 जो है वो आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो. अगर ये नंबर लाइन है तो यहाँ ये सपोज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है ओके. सो ये आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मीन्स ये देखिए ये 1 ये 2 और ये 3, ये इसमें भी 5 है, 5 डिजिट्स है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है. सो हम क्या किए, 5 3 15 मल्टीप्लाई किए. वैसे ही इन द केस ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो हम अगेन वी आर एडिंग -5 3 टाइम्स. सो 3 into -5 और वी कैन से -5 को हम ओके 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं. सो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, -15 यू विल गेट. सो दिस इज द, ये जो है वो नेगेटिव में है और ये जो है वो पॉजिटिव में है, ये जो है वो नेगेटिव में है. सो ये देख लीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर विद पॉजिटिव. सो फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे ओके 4 into -8 क्या होगा, ये -8 प्लस -8 प्लस -8 प्लस -8 उसका मतलब ये है, ठीक है? सो -8 -8 -8 -8 16 और ये आपको ये -32 हो जाएगा आंसर. लेकिन यहाँ पे भी आप इसको -32 कर सकते थे. यू गॉट इट? सो यही है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई. सो लेट अस नाउ फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर विदाउट यूजिंग नंबर लाइन. सो अभी हम तो नंबर लाइन नहीं यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए 5 into -4 हाउ कैन यू कैलकुलेट, 5 4 20 और ये माइनस साइन. सो ये हो गया माइनस. अगेन लाइक 3 into -2 3 2 6 बट साइन विल बी माइनस. सो ये है पॉजिटिव
into negative integers, positive into negative integers, या फिर negative into okay positive integers, like minus 3 into 4, again you will get minus 12, minus 12 you will get. So this is what so what did we observe? Okay, we observe that a into minus b, which is equal to minus a into b, which is equal to a into b, यहाँ पे माइनस. सो दिस इज द एक्चुअल, जैसे सपोज 3 इंटू माइनस 5, ये इक्वल होगा माइनस 3 के 5 से, ये इक्वल होगा 3 के 5 से माइनस. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस 15 होगा, यहाँ पे भी माइनस 15 होगा, यहाँ पे भी माइनस 15 होगा. सो व्हाट वी से, ए इंटू माइनस बी विच इज इक्वल टू minus a into b, which is equal to minus of a into b. So where a and b both are okay integers, जहाँ पे a, यहाँ पे a positive है, ये a b negative है, here a negative है और यहाँ पे b positive है, here both positive है but minus sign है. So this is the way how we can multiply the negative integers with a positive, or a positive with a negative integer. Now we will see multiplication of two negative integers. अब हम देखते हैं multiplication of two negative integers. Suppose we have first negative integer minus 2 and another negative integers we have minus 2. सो ये 2 2 जा 4, और ये माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस. यू गॉट इट? सो ये हो जाएगा प्लस. कैन यू फाइंड माइनस 3 इंटू माइनस 2 कितना होगा? 3 2 जा 6, और ये प्लस हो जाएगा 6. सो विच इज इक्वल टू 6. यू गॉट इट? माइनस साइन जो होता है, मल्टीप्लाई माइनस साइन हो जाता है तो वो पॉजिटिव होता है. माइनस माइनस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो होता है नेगेटिव नंबर इनटू, ओके अगेन नेगेटिव साइन, वी हैव पॉजिटिव. ओके, दिस इज द साइन ऑफ साइन मल्टीप्लिकेशन. यू गॉट इट? माइनस इनटू माइनस विच इज इक्वल टू प्लस. सो यहाँ पे माइनस 4 इंटू माइनस 2 है तो 2 2 जा 8 हो जाएगा, और ये प्लस साइन हो जाएगा. वैसे ही ओके 3 है, सॉरी माइनस 3 है, माइनस 5 है, तो ये प्लस 15 हो जाएगा. यू गॉट इट? सो दिस इज़ द वे. सपोज यू हैव हियर माइनस 2 एंड आपको माइनस 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 7 जब 14 होता है, और ये साइन हो जाएगा प्लस का. प्लस 14 विच इज इक्वल टू 14, डोंट गेट कन्फ्यूज. ओके, प्लस 8 इज इक्वल टू 8, प्लस 8 को ही हम 8 लिखते हैं. ओके, माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू प्लस 8. Now based on this observation complete the following. आपके लिए मैं सम होमवर्क दे रहा हूँ, जिसमें आपको माइनस 3 इंटू माइनस 3 यहाँ पर क्या होगा, सिमिलरली माइनस 4 इंटू माइनस 7 वट विल यू गेट हीयर, एंड ये फर्स्ट बिट है, ये सेकेंड बिट है. ना यू हैव थर्ड वन, माइनस 11 इंटू माइनस 3, वट इज़ दिस? फिर माइनस 75 इंटू माइनस 4 यहाँ पे क्या होगा. सो ये आपके लिए होमवर्क. ओके, प्लीज़ डू दीज प्रॉब्लम्स.
hence product of two negative integer is a positive integer. Okay, hence the product of two negative integer is a positive integer. We multiply the two negative integer as a whole numbers and put the positive sign before the product. Like for example, okay, minus 10 into minus 12. तो हम यहाँ पे 10 इंटू 12 मतलब 120, और ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा हमारा. यू गॉट इट? ये कितना हो जाएगा? 120, 120. सिमिलरली सो हैंस माइनस ए इंटू माइनस बी, ये क्या होता है? ए बी. ए इंटू बी प्लस में. नाउ टेक अनदर कलर. ओके, नाउ अब आगे है कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर निगेटिव इंटीजर्स. प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर निगेटिव इंटीजर्स. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दिखलाता हूँ, माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस फोर, ये कितना होगा? सो इसको पहले आप सॉल्व कर लो. ये हो जाएगा टू थ्री जै सिक्स, साइन हो जाएगा प्लस इंटू माइनस फोर. ठीक है, सिक्स फोर जा 24, ये हो गया साइन माइनस का. ओके, सो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. ओके, साइन जो है वो ध्यान रहे कि आप कहाँ पे दे रहे हो. ओके, माइनस फोर, सो यहाँ पे देखिए एक और प्रॉब्लम, माइनस फोर इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस टू इंटू माइनस वन. सो अब यहाँ पे सपोज आप इसको सॉल्व कर ले तो माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस इंटू, ये माइनस टू हो गया, ये माइनस वन हो गया. सो 12 टू जो माइनस 24, ये माइनस वन हो गया, फिर ये हो गया 24. सो इस केस में आपको 24 आ गया वैल्यू. मैंने क्या किया, मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. ओके, लाइक वाइज. सो इस सब प्रॉब्लम में क्या समझ में आया कि व्हाट डिड वी गेट? जो माइनस साइन होता है इवन टाइम्स, इवन नंबर ऑफ, ओके, नंबर टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होता है ओके, तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव. और जो माइनस साइन है ओके ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ओके मल्टीप्लाई होता है तो वह निगेटिव ही रहता है, निगेटिव साइन हो जाता है. यू गॉट इट? जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, माइनस फाइव इंटू माइनस फोर इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस टू. सो माइनस कितने साइन है? फोर टाइम्स. तो हम पॉजिटिव कर देंगे, 5 4 जा 20, ओके 23 जा 60 एंड 62 जा 120. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका आंसर, 24 बचे 120. तो ठीक है, ये ऐसे साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का. और अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है, माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन. नाउ यू टेल मी जस्ट साइन, व्हाट विल बी द साइन? ये जो डिजिट, ये जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा? सो माइनस जो है वो ऑड ओके नंबर ऑफ टाइम्स है. ओके, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो साइन विल बी माइनस. हैंस
hence sign will be negative value. जो भी नंबर आएगा वो एक नेगेटिव नंबर होगा. देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और ये माइनस अगेन आपके पास माइनस हो जाएगा. यू गॉट इट? सो फाइनली यू विल गेट अ नेगेटिव नंबर. फाइनली यू विल गेट अ नेगेटिव नंबर. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री और मोर नेगेटिव इंटीजर्स. सो आपके लिए अगेन होमवर्क, यहाँ पे कुछ टास्क है. फाइंड आउट द वैल्यू. ओके, माइनस एट इंटू माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ 5, यहाँ पे क्या होगा आंसर. और दूसरे आपको फाइंड आउट करना है माइनस 7 इंटू माइनस 9 इंटू माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा. सो दिस टू प्रॉब्लम्स विच यू हैव टू डू विथ योर ओन. अ स्पेशल केस. ओके, यहाँ पे थोड़े स्पेशल केसेस देख लेते हैं. माइनस वन इंटू क्या होता है, माइनस वन, फाइनली आंसर क्या होता है, वन प्लस वन. फिर देखिए माइनस वन. ओके, माइनस वन इंटू माइनस वन, तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस वन ही होगा. वही देखिए माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, अभी प्लस वन होगा. सो यहाँ पे ये माइनस जो है वो इवन आया था, ये ऑड आया था, ये इवन नंबर ऑफ टाइम आया था. सो देखिए जहाँ जहाँ इवन है वहाँ वहाँ पॉजिटिव है, जहाँ जहाँ ऑड है वहाँ वहाँ नेगेटिव है. सो दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू दिस मीन्स दैट इफ़ द इंटीजर माइनस वन इज़ मल्टीप्लाइड इवन नंबर ऑफ टाइम्स, द प्रोडक्ट विल बी द पॉजिटिव वन प्लस वन, एंड इफ इंटीजर माइनस वन इज मल्टीप्लाई ऑड नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोडक्ट इज माइनस वन. यू कैन चेक दिस बाय मेकिंग विथ योर ओन एग्जांपल्स. सो इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या फाइंड हुआ, टोटल से हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा. इफ द नंबर ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज अ प्रोडक्ट इज इवन. ओके, जो हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा इसमें, मल्टीप्लीकेशन हमने सीखा नेगेटिव से और नेगेटिव से ओके पॉजिटिव में. ओके, नेक्स्ट वी विल सी हियर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. एंड द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टीज वी विल सी अंडर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. एक्चुअली क्लोजर होता क्या है, सपोज वी हैव ए एंड बी टू इंटीजर्स, तो ए इंटू बी जो होगा रिजल्टेंट वैल्यू वो भी एक इंटीजर ही होगा. ओके, द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी अ इंटीजर. सो व्हाट डिड आई टेल यू, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल वी हैव माइनस फोर एक इंटीजर है और फाइव जो है वो भी एक इंटीजर ही है. सो फोर फाइव जो 20 और माइनस, सो माइनस 20 इज ऑल्सो एन इंटीजर. यू गॉट इट? सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड. व्हाट? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन. इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन. ओके, आई विल क्लियर इट एवरीथिंग. Now we will see commutative of multiplication. Commutative property. Commutative of multiplication. Commutative of multiplication. यहाँ पे देखिए, we know that multiplication is a commutative for all the whole numbers. ये multiplication जो होता है whole numbers के लिए क्या होता है, commutative होता है. Commutative होता है means what? So what will be the what will be for the integers? Suppose we have a and b, these two are integers.
okay, a value suppose we have minus 3 and b value we have 5. So a into b हमारे पास क्या होगा, minus 3 into 5 minus 15. What about b into a, means 5 into minus 3, again we have minus 15. Hence a into b equal to b into a equal हो गया. So what we can say, yes, commutative multiplication is commutative under the multiplication is commutative for integers. Hence therefore, okay, multiplication is commutative for integers. Okay, so this is all about the commutative. यहाँ पे क्या होना चाहिए, if a and b both are integers, a into b which is equal to b into a, ये दोनों equal होना चाहिए, then we can say yes, this multiplication of integers, multiplication of integer जो होता है commutative होता है, multiplication is commutative for integers. Now multiplication by zero, अगला topic है multiplication, okay, by zero if we have to find out, तब क्या होगा, we know that any whole number when multiplied by zero is zero. अगर कोई whole number है, suppose एक whole number 5 है, हम इसमें zero से multiply करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, zero. What about integers, suppose we have 5 is also integer, 5 into 0 it will also give you 0, minus 5 is also an integer, so minus 5 ये भी 0 हो जाएगा. Okay, minus 2 into 0 means 0 and 2 into 0 is also 0. So what did we observe here, a जो है एक integer है, so उसको हम 0 से multiply करेंगे या फिर 0 में हम किसी integer a से multiply करेंगे तो हमारे पास 0 ही उसका resultant value आएगा. So that is a into 0, 0 into a is equal to 0. This is what I intended to tell you. This is what multiplication by 0. Now multiplicative identity. एक नया term क्या है हमारे पास, multiplicative, okay, identity. Multiplicative identity होता क्या है, यहाँ पे ये देखेंगे. We know that one is multiplicative identity for the whole numbers. One जो होता है वो एक multiplicative identity होता है for what? For whole numbers. कैसे? 5 जो होता है एक whole number है, 1 से multiply करते हैं या फिर 1 में हम 5 से multiply करते हैं तो हमारे पास same number, same whole number आता है. So that is why, what did we say that in the previous classes, in okay, this one is the multiplicative identity. One is the multiplicative identity for what? For the whole numbers. So what about integers? अब हम integers में देखते हैं. Let us see, minus 3 is an integer. Minus 3 into 1, what will we get? Minus 3, or 1 में हम minus 3 से multiply करेंगे, again we will get minus 3 value. Take a positive integer like 5, 5 into 1 it will be 5, or 1 into 5 it will also be 5. Okay, so hence what we observe that 1 into a in a is an integer, that is 1 in a into 1 or 1 into a, where a is an integer which gives a, that integer itself. So what we can say, we can conclude that this 1 is multiplicative identity for integers also. 1 is multiplicative identity for integers also. 1 jo hota hai is multiplicative, identity, for integers. 1 जो होता है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है किसके लिए, इंटीजर्स के लिए. व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विथ माइनस 1, व्हाट happens when we multiply, when we multiply any integers, with minus 1, क्या होगा,
जैसे कि हमारे पास 4 एक इंटीजर है माइनस वन में, यहाँ पे क्या होगा, माइनस फोर इज ऑल्सो एन इंटीजर, माइनस वन से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये माइनस फोर होगा, ये प्लस फोर होगा, ये भी इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। सो क्या कर सकते हैं, फाइनली सेम चीज़, बट यस सी द वैल्यू इज़ नॉट सेम हियर, जस्ट उसका अपोजिट आता है, फोर का माइनस फोर आ जाएगा और माइनस फोर का आपके पास फोर आ जाएगा। सो ये ऑलरेडी व्हाट डिड वी ऑब्जर्व हियर, ओके हेंस माइनस वन इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, माइनस वन इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर वॉट, फॉर द इंटीजर्स। ओके, और आगे जो इस चैप्टर में और आगे के जो पार्ट है लाइक एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके सो हैंस अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।